अब हम बात करते हैं पंजाब की। जी हाँ, पंजाब वो है जहां अभी तक भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल का कब्जा था। दो बार से सरकार बन रही थी, तीसरी बार बादल अपनी सरकार बनाने के लिए आश्वस्त थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से वहां पंजाब में सेंध लगाई है उसने काफी सपने बादल के तोड़ दिए लगते हैं। और अमरिंदर सिंह जो कांग्रेस के हैं उनके नेतृत्व में जिस तरीके से पंजाब में चुनाव लड़ा गया और रुझानों के अंदर जिस तरीके से उनको सीटें आगे मिलती जा रही है उसको देखकर साफ लग रहा है कि अब अगली सरकार पंजाब में कांग्रेस स्वयं बनाएगी और श्रोमणी अकाली दल भाजपा को अपनी गलतियों का एहसास होगा। आखिर गोविंद जी, ये एकदम से जो परिवर्तन आया पंजाब के अंदर, इसके पीछे मेन कुछ तीन मुद्दे ऐसे कौन से थे जो लोग चाहते थे कि ये सुधर जाए तो पंजाब सुधर जाए? रुक्रम जी, अगर आप पीछे जाके देखेंगे तो पिछला चुनाव भी जब हुआ था विधानसभा का, तब एक माहौल ये बना हुआ था कि वहां पर श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी का गठबंधन हार रहा है और कांग्रेस वहां सरकार बनाने जा रही है। उस समय जो मैंने पहले भी कहा कि नेता और नीति ये दोनों स्पष्ट नहीं थी, उस वजह से अकाली दल और बीजेपी एक बार फिर बाजी मार ले गए आखिरी मिनट पर। लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से ये बहुत स्पष्ट हो गया था कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार अमरिंदर सिंह होंगे। अमरिंदर सिंह ने अपनी पूरी तरह उम्मीदवारों से चयन से लेकर के और आगे तक के अभियान को अपने साथ रखा। इसके बाद जब आप दूसरे कारण की बात करेंगे तो दूसरा कारण पिछले 5 सालों में और लगातार 10 सालों में ड्रग्स को लेकर के पंजाब की सरकार बहुत बदनाम रही, भ्रष्टाचार को लेकर के बहुत बदनाम रही, और उसमें प्रकाश सिंह जी के बेटे, उनके परिवार के अन्य सदस्य, उन सब पर जिस तरह से आरोप लग रहे थे और जिस तरह से उनको बचाया जा रहा था वो शायद पंजाब की जनता को पसंद नहीं आया और उसने बहुत स्पष्ट तौर पर ये जनादेश दिया। जहां तक सवाल गठबंधन की हार का है या और दूसरे लोगों के उसको नहीं सुधार पाने का है, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को या प्रधानमंत्री जी को या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को लग गया था कि जिस तरह से ये तकलीफ जितना बढ़ चुकी है अब उसका इलाज इस दौर में तो कम से कम संभव नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने, आपने देखा हो तो बहुत ज्यादा वहां समय भी नहीं दिया, उतना ही समय दिया जितना और दूसरे राज्यों को दिया। यानी इस बात से तो साफ हो गया जिस तरीके के रुझान पंजाब में आ रहे हैं, तो पंजाब में इसके रुझान को देखकर एक चीज तो हमें नजर आ रही है कि यदि आपने सत्ता आने के बाद में काम नहीं किया और हर वर्ग का ध्यान नहीं रखा तो आपका बदलाव तय है। और यही देखिए, 5 साल पहले मौका दिया, फिर 5 साल के दोबारा मौका दिया। ड्रग्स बहुत बड़ी समस्या है वहां की और इससे नौजवान पीढ़ी जो है पूरी तरीके से बहुत हद तक तबाह हो चुकी, इससे हर घर दुखी, उससे पीछा छुड़ाना चाहते थे। और जो विपक्षी पार्टियां थी जो अब रुझानों के बाद में कांग्रेस वगैरह आगे आ गई, इन्होंने उसको भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त पंजाब बनाने का वादा किया, जनता ने उसे स्वीकार किया और पंजाब के अंदर अब तस्वीर पूरी तरीके से बदलती नजर आ रही है। रुझान कुछ देर बाद परिणाम में कन्वर्ट हो जाएंगे और अब ये साफ है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। लेकिन जैसा राहुल जी के साथ में पैक्ट हुआ ऐसा सुना हम लोगों ने, नवजोत सिंह सिद्धू डिप्टी चीफ मिनिस्टर पंजाब हो सकते हैं? हाँ, ये राजनीति और इसमें कुछ भी हो सकता है। नवजोत सिंह सिद्धू जब आए थे तब वो आए कुछ उन्हीं शर्तों के साथ थे जैसा कहा जा रहा है, तो हो सकता है कि वहां नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन ये चीजें अभी भविष्य के गर्भ में, उस पर अभी टिप्पणी करना शायद उतना उचित नहीं होगा। चूंकि राजनीति है, राजनीति के अंदर कभी भी अंतिम समय तक कुछ भी हो सकता है, इसलिए गोविंद जी ने बचाव करते हुए अभी अमरिंदर सिंह को भी मुख्यमंत्री पद के लिए रोक रखा है और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए जो समझौता हुआ नवजोत सिंह सिद्धू के साथ में वो भी अभी रुका हुआ है। देखते हैं, सिर्फ कुछ घंटों की बात और है। अब बात करते हैं पहाड़ों की ओर, उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड हमारे हिंदू देवी देवताओं और हिंदुओं की आस्था का बहुत बड़ा स्थल है और जहां केदारनाथ की त्रासदी हुई उस समय जब शासन के अंदर कांग्रेस सरकार रही, वहां जिस तरीके के प्रयास किए जाने चाहिए थे बचाव के शायद वो नहीं हो पाए, उसको लेकर भी एक लोगों के मन में पीड़ा थी। जिस तरीके के डेवलपमेंट की बात की जा रही थी वो भी शायद नहीं हुआ और इसी का परिणाम है कि उत्तराखंड की कुल 70 सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं और 70 में से 56 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अकेले बढ़त बनाई है और कांग्रेस को इन रुझानों में काफी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। अब जानते हैं कि ऐसे कौन से कारण रहे उत्तराखंड के अंदर कि
कांग्रेस को इतना बड़ा नुकसान हुआ? नहीं रुक्रम जी, उत्तराखंड में जो कांग्रेस की हार हुई है उसका सबसे बड़ा कारण तो इन पिछले 5 सालों में जिस तरह से वहां आपदाएं आई और उन आपदाओं से पार पाने में सरकार की जो नाकामी सिद्ध हुई, पहले मुख्यमंत्री के तौर पर विजय बहुगुणा और उसके बाद मुख्यमंत्री के तौर पर हरीश रावत, दोनों दावे सब करते हैं लेकिन शायद वहां की जनता को वो उतनी सहूलियत नहीं दे पाए, उतना बचाव नहीं कर पाए, उतना पुनर्वास नहीं कर पाए जितना उनको करना चाहिए था। विजय बहुगुणा बाद में अपने परिवार सहित अपनी बहन और बेटे के साथ भारतीय जनता पार्टी में चले गए। उनके अलावा भी और दूसरे नेता उत्तराखंड कांग्रेस के जो थे वो बहुत पहले ही चले गए थे भारतीय जनता पार्टी में, तो उससे एक वहां पर जो कांग्रेस के प्रति लोगों की नाराजगी थी, जो सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी थी और इन लोगों के जाने से जो भारतीय जनता पार्टी में मजबूती आई, फिर इसके साथ के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के स्थापित नेता थे या जो हम राजनीति की बात करने वाले राजनीतिक विश्लेषक समय समय पर बातें करते हैं कि कौन सी पार्टी क्यों किस कारण से हारेगी जीतेगी, तो उत्तराखंड में अगर बीजेपी के जो भी बड़े नेता थे, बहुत समय रहते भारतीय जनता पार्टी ने उन नेताओं को अगर किनारे किया तो उन नेताओं के बच्चों को परिवारजनों को टिकट भी दिए, तो उस नाराजगी को बचा करके उन्होंने उस कैंपेन को चलाया, तो कांग्रेस और उसकी सरकार के लिए जो नाराजगी थी उसको भी भुनाया और अपने लोगों की जो नाराजगी थी उसको भी उन्होंने कम करके रखा। और बाद में फिर बात वही कि नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो दौरे किए जो उनके लिए लोगों का विश्वास था और उत्तर प्रदेश से सटा होने की वजह से, उत्तर प्रदेश का कभी हिस्सा रहने की वजह से उत्तराखंड की हवा भी कमोबेश वही होती है जो उत्तर प्रदेश की होती है। तो अगर आप चुनावी नतीजों को देखेंगे तो 70 में से 56 या 60 सीटें या 55 सीटें अगर उत्तराखंड में आती हैं तो वो उसी तरह जैसे उत्तर प्रदेश में 403 में से 300 सीटों का। यानी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बात करें तो परिणाम लगभग समान होते हैं क्योंकि जनता भी वही है, लोग भी वही है, उनका प्रवृत्ति और प्रकृति भी दोनों वही है। अब हम बात करते हैं गोविंद जी, बहुत आश्चर्यजनक स्थिति सामने आ रही है कि जो हमारा जो ईस्टर्न पार्ट है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी को कभी भी अपना खाता खोलने की स्थिति नहीं बनी थी, और खासकर हम बात करें मणिपुर की, तो मणिपुर के अंदर इस बार बीजेपी काफी अच्छी बढ़त बना रही है, ये भी क्या मोदी के नेतृत्व का परिणाम है? नहीं, ये मोदी के नेतृत्व का तो परिणाम है ही, इसको तो आपको बिल्कुल, देखिए आज रुक्रम जी इस देश में जो भी राजनीति है यही भारतीय जनता पार्टी थी 2009 के चुनाव तक, 2004 के चुनाव तक या उसके पहले भी। ये मान के चलिए कि राजनीति में हार जीत कोई मायने नहीं रखती, ये हर पार्टी के साथ होती है। आप याद करिए 1984 को यही भारतीय जनता पार्टी थी जिसको 2 सीटें मिली थी, बिल्कुल, और पिछले लोकसभा चुनाव में वही भारतीय जनता पार्टी 283 सीट लेकर के आई। तो जहां नेता की हम बात करेंगे, नेता का नियत का, नेता की विश्वसनीयता का, वो तो हर जगह चलेंगे ही, लेकिन इसके साथ रिजल्ट लाने के लिए, मेरे लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो एक किलिंग इंस्टेंट किसी पार्टी में होनी चाहिए, नेता में होनी चाहिए, और उसके लिए किसी भी हद तक जाने की, कुछ भी कर गुजरने की जो ललक होनी चाहिए, वो आज की तारीख में आपको भारतीय जनता पार्टी और उसके नेतृत्व में देखेगी। जब भारतीय जनता पार्टी या उसके नेता नरेंद्र मोदी जी या फिर अमित शाह कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं तो उन्होंने उसके लिए बहुत टाइम से रणनीति शुरू की। अगर आप याद करेंगे तो राजनीतिक दल इस बात से इनकार करते हैं कि वो ऐसा नहीं कर रहे, लेकिन अरुणाचल को याद करिए, मणिपुर को याद करिए, मणिपुर में अगर पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास बहुत ज्यादा कुछ नहीं था तो इन 5 सालों में वहां की सरकार को, वहां के अन्य राजनीतिक दलों को अस्थिर करके उनके लोगों को पार्टी में शामिल करने के जो भी प्रयास हर दल ने किए उन्हीं का एक हिस्सा हुआ कि वहां भारतीय जनता पार्टी को भी अच्छी मजबूती मिली और ये जो नतीजे आ रहे हैं ये उसी के परिणाम है। एक हमारे दर्शक हैं संतोष कुमार पांडे, उनका कमेंट है, नई पीढ़ी ने विकास के मुद्दे का समर्थन किया, यही कारण है कि मणिपुर में भाजपा को बढ़त मिल रही है। नई पीढ़ी के समर्थन की बात को आप किस तरह से देखते हैं, जो कमेंट संतोष कुमार पांडे जी ने किया है? नहीं, फिर इसको वहीं जाना पड़ेगा कि नई पीढ़ी को अभी एक नेता दिख रहा है और वो नेता उसको दूसरी जगह कहीं नजर नहीं आ रहा जो उसकी उम्मीदों पर, उसकी आशाओं पर खरा उतर सके। इसलिए नई पीढ़ी विकास को देख रही है, स्थानीय विकास को देख रही है, देश के विकास को भी देख रही है और वो उस तरह से अपने वोट का यूज कर रही है। पत्रिका.com के साथ आप बने रहिए, हम रुझानों के बाद में ताजा परिणामों को लेकर भी आपके साथ होंगे और उन बिंदुओं पर बात करेंगे
जिनसे ये जीत हुई है और उन बारीकियों को भी बात करेंगे जिनसे उनकी हार हुई है। तो पत्रिका.com पर बने रहिए और हम आपके साथ फिर जल्दी जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।